सतगुरु महाराज श्री जियावर धाम के तीनों पुरी धाम बोल बोल पंजे समस्त सुंदर प्रणाम सुंदर प्रथम दो तो चरण को धनिए न छुडायो खी ला कतली लाल एडिया मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के

प्रीतम मेरे प्राण के आत्म के आधार सर्वशोभा देने योग्य हो श्री लीला नित्य विहार श्रीलीला नित्य विहार बुलिस श्री प्राणनाथ धामधनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर सात जी निजानंद संप्रदाय जिसके दार्शनिक सिद्धांत छह दिन की लीला जिसमें आज छठे दिन में हम सब सुंदर साथ एकत्रित एक हुए हैं आज का दिन धन्य आज सभी सुंदर को देखते हुए मैं अंदर से एक आत्म हो रही हूँ अंदर से मेरी आत्म को एक धन्य धन्य मान रही हूँ धनी की असीम कृपा एवं असीम मेहर से मैं हम अभी बताया कि निजानंद संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों में छह दिन की लीला छठे दिन की लीला श्री सुंदर की जिसमें धामधनी की मेहर की छाव तले पहला दिन ब्रज में दूसरा दिन रास तीसरा दिन श्री महमद साहेब चौथा दिन सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और पांचवा दिन श्री प्राणनाथ जी और छठे दिन ब्रह्मात्मा सुंदर साथ के नजर से न काढ़ी मुझे अबल से आज दिन क्यों कर कहूँ महर महबूबत की जो करत ऊपर मोमिन बाले से बुढ़ा पे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान धाम धनी ने मुझे ब्रज से लेकर आज दिन तक अभी इस पल इस साहित तक उसकी छायों तले उसकी महर की नजर तले उसकी छत्र साया में उसके कबाई तले मेरे को रखा और सुंदर साथ जी इतना ही नहीं ने पहले दिन से अपने दिल का गंजान, गंज गंजान गंज जो प्रेम उसके दिल में जो प्रेम का एक स्तोत्र था वो स्तोत्र ब्रज से लेकर अभी तक जो प्रवाहित करते आ रहे है और वो रस में आज सभी ब्रह्मात्माए छठे दिन में जो सराबोर हो रही है और होकर जो आनंद आनंद प्राप्त कर रही है वो आनंद के स्वरूप श्यामा महारानी और श्यामा जी के अंग सुंदर साथ धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सभी सुंदर साथ के चरणों में मैं सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सुंदर साथ जी आज हम श्री लाल दसी कृत बितक साहेब का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो निजानंद संप्रदाय में 400 साल से आ रही परंपरा में तृतीया और चौथ चतुर्थ और पांचम तो त्रीज और चौथ जो हमने मनाया एक उपवास के दिन के नाम पर और पांचम का दिन जो पारणा हम बोलते हो भी हमने कल सुंदर साथ जी, उत्सव के साथ मनाया, तो का दिन, इस परंपरा में हम चलते आते आते तृतीया का दिन आया जो पांचवें दिन की लीला पहला दिन में हमें अभी बोला मैंने कि ब्रज का दूसरा दिन रास का तीसरा श्री मोहम्मद साहेब चौथा सतगुरु दिन में श्री मेहराज ठाकुर नामक तन में और इंद्रावती की आत्म के धाम दिल में जिसको महामती की शोभा मिली वो महामती में पांच दिन तक एक ही आवेश शक्ति एक ही तन में काम करती रही कितने तनों में एक ही तन में काम करती रही और पांचवे दिन में हुई आवेश शक्ति सुंदर साजी श्री लाल दास जी महाराज के तन आसबाई के धाम दिल में पांचों शक्ति प्रविष्ट होकर हो, हो आसबाई को भी महामती का विरुद्ध प्राप्त हुआ और में दिन में मैंने अभी बोला कि ४०० साल से जो आ रही परंपरा में जो पांचवें दिन की लीला जब पूर्ण हुई कब हुई तो विक्रम संवंत सत्रह सो बाईस से लेकर ऐसे तो लीला जामनगर से शुरू हुई जो इससे आगे जाए तो हमारी लीला तो अनादि है जामनगर से नहीं कहाँ की हमारी लीला तो परम धाम की है अनादि है परम धाम से शुरू हुई और पहले दिन से लेकर सातवें दिन की लीला तक कहाँ तक की सातवें दिन की लीला तक कि हमारा मूल तन जो मूल मिलावा में परात्म तन विराजमान है और परात्म के प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा इस नश्वर जगत में एक खेल देखने के लिए आई है और वो जो जीव पर जो जिस जीव, जीव पर वो बैठ कर ये खेल को देख रही है उसमें आत्मा भी बैठी है परमधाम से आकर तो वो आत्मा सातवें दिन में मूल तन में जागृत होगी छठा दिन जब पूरा होगा तब और जीव कहा अखंड होगा योग माया, ब्रह्मांड में अखंड में अखंड होगा तो सुंदर साथ जी हुई आवेश शक्ति पांच दिन तक एक ही तन में लीला करती रही और छठे दिन में सभी सुंदर साथ के दिल को धाम धनी ने धाम बनाया क्या बनाया धाम बनाया और सिंगार ग्रंथ के दूसरे नंबर के प्रकरण में बताया कि अब में द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ आई के बैठे खसम तो जाहिर में तो महाराजा छत्रसाल जी को जागनी के उत्तरदायित्व का, का काम सौंपा लेकिन बातुनी में सब सुंदर साथ के दिल को और बनाकर धाम धनी विराजमान हो गए तो हो धाम धनी पांच दिन तक जो लीला कर रहे थे आवेश शक्ति से तो में दिन के मेहराज ठाकुर के तन में बैठकर हुई लीला विक्रम सवंत सोलह में शुरू हुई और बिक्रम सो में दोनों आत्म सुंदरबाई और इंद्रावती दोनों का मिलन हुआ उसके बाद में जब दोनों आत्मों का मिलन हुआ आई के चरणों लागी तीति -ती दय निध तत्किन हृदय में ने आई जागृत बुद्ध दोनों आत्मों के मिलन बाद इंद्रावती की आत्म ने शांति से कभी कभी भी चैन से वो नहीं रह पाई तभी से बस अंदर एक अग्नि प्रज्वलित हुई तब से बस अंदर एक धाम और अपने नीज को और धनी को जानने की एक जिज्ञासा पैदा हुई और पूरा बीता घटनाक्रम आप सब जानते हो तो प्राणधार सुंदर साथ जी हुई घटनाक्रम जब आगे बढ़ा तो विक्रम सवंत सोलह सो सत्यासी के बाद जब लीला आगे बढ़ी तो वहां से 1722 से दीव बंदर से जागनी यात्रा प्रारंभ हुई और 1740 में एमपी मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में धाम धनी अक्षरातीत श्री प्राण वल्लभ श्री प्राण नाथ के चरण कमल पड़े और वहां पूरी 11 साल तक लीला रही कितने साल तक पुरी ग्यारह साल तक पन्ना मुंदेलखंड पद्मावती पुरी धाम जहां अपना जागनी का झंडा गाड़ा क्या गाड़ा जागनी का झंडा गाड़ा उसके आगे वहां से आगे हमारी जागनी यात्रा आगे बढ़ी नहीं क्योंकि धाम धनी ने पहले से मूल मिलावा से दिल में ले लिया था कि इंद्रावती वहां से आगे जाना नहीं है तो जो मूल स्वरूप में दिल में लिया वही आवेश शक्ति ने लीला करके 1740 में पदमावती पुरी धाम में पहुंचकर कर में अपनी अंतिम लीला जब समाप्त करने जा रहे पूर्ण करने जा रहे वही घटनाक्रम को हम पहले समझ लेंगे तो वह ग्यारह साल तक एक प्रेम मई आनंदमय धाम धनी ने ग्यारह साल तक अपने दिल का जो अनंत इश्क जिसको देखने के लिए अक्षर ने भी इच्छा की थी कि अक्षरातीत के, के माहौल में प्रेम सो सुद अक्षर को नहीं जो किन केल करत और रूहो ने क्या इच्छा की थी ये माया का खेल देखने की दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रज रास का ब्रह्मांड तो बना लेकिन वह अक्षर की और रूहो की दोनों की इच्छा पूर्ण नहीं हुई क्यों सुंदर साहद जी ब्रज और रास में वाणी नहीं उतरी थी बताया न श्रृंगार ग्रंथ के पहले नंबर के प्रकरण में कि ब्रह्म सृष्टि अति ब्रज रास में प्रेम तो लक्ष्मी न क्ष लिया अवल रूहल्ला पर न था आखरी में तो लीला की तीसरे दिन की लीला में तो सृष्टि आई ही नहीं थी तो कोई वाणी की जरूरत ही नहीं थी लेकिन चौथे दिन में रूहल्ला आए बीज मंत्र वचन भी उतरे लेकिन वाणी तारतम वाणी या ब्रह्म ज्ञान का अवतरण नहीं हुआ तो इच्छा पूर्ण नहीं हुई इसलिए सुंदर साथ जी जो मार्फती जो सजार वचन थे हो पद्मावती पुरी धाम में खिलवत परिक्रमा सागर शिंगार शिंदी और मार्फत सागर और क्यामत नामा के जो अंतिम ग्रंथ है वो सत्रह में चित्रकूट वहां उतर चुका था तो ऐसे जो आखरी वाणी है ये पन्ना पुरी, धाम में उतरी तो प्राणाधार सुंदर जी वहां धाम धनी ने जो ग्यारह साल की जो लीला की और को इतना अनंत गंज जो जो इश्क इश्क पिलाया वो जो से सराबोर और आनंद के सागर में डूबने लगी तो प्रकृति की मर्यादा तो मर्यादा का कोई उल्लंघन नहीं कर पाते जिस तन में अक्षराती स्वयं लीला कर रहे हैं उस तन के लिए क्या इस ब्रह्मांड में तन रखना कोई कठिन कार्य था क्या जो आज आज के ऋषि मुनि सृष्टि हिमालय की कंदरा में आज जो योग साधना ध्यान समाधि लगाकर बैठे हैं एक योगी की आत्मकथा नामक पुस्तक है उसमें महावतार बाबा उसके शिष्य लाहड़ी महाशय उसके शिष्य युक्तेश्वरानंद जी उसके योगानंद जी ऐसे शिष्य की परंपरा में हजार या सोलह सौ साल से आज हिमालय की कंदराओं में बैठे हैं, जो उसके टिके वो शरीर से ऊपर उठ गए हैं, शरीर पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है मान लो ने चलो वहां की बात तो दूर की रही एक राजा जनक को ले लो ने जो वैद्य ही देह से ऊपर उठ गए थे ने राजा जनक तो जो एक निराकार तक पहुंचने वाले जीव वो जो शरीर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हजारों साल अपना तन तन सकते हैं, तो क्या जिस तन में अक्षरातीत स्वयं लीला कर रहे हैं उस तन को इस ब्रह्मांड में रखना कोई कठिन कार्य है क्या वो रख सकते हैं ने? लेकिन कोई चमत्कार ऐसी लीला में वाली लीला में पढ़ना नहीं था और यह कार्य करके सुंदर शाह प्रकृति की मर्यादा का उल्लंघन धनी ने नहीं किया और सत्रह सोवन की साल आई और तृतीया का दिन आया जो हमने तीन दिन से हम लगातार वो उत्सव हमने मनाए ने वही बात हम पहले रख ले तो तृतीया का दिन आया तृतीया के दिन महामती की आत्म उस दिन ध्यान में डूब गई सुबह से सुंदर साजी बंगला जी दरबार जैसा आज आप सभी सुंदर साथ बैठे हो ऐसे ही बंगला जी दरबार की और आपका ध्यान ले जाइए वहां अपनी सुरता को ले जाइए जैसे धाम धनी सिंहासन पर विराजमान है और ऐसे ही बंगला जी दरबार में पांच हजार की जमात बैठी हुई है और तृतीया के दिन महामती की आत्म गहन समाधि में डूब गई और सुबह से संध्या समय होने लगा तब तक उसने कुछ भी भोजन नहीं किया थोड़ा सा भी भोजन नहीं किया और सूर्यास्त के समय के टाइम जब उसकी आंखें खुली तो ऐसे बंगला जी दरबार में ऐसे सुंदर सात की पूरी सभा जमात बैठी थी उसकी ओर देखा तो पूरे सुंदर सात ऐसे सुमसान उदास मन से बैठे हुए देखा उसकी ओर देखते हुए श्री जी ने जब आंखें खोली और सुंदर साथ को बोला कि सुंदर साथ जी आज आप सुबह से ऐसे ही उदास मन से सुमसान बैठे हो दुखी दिल से बैठे हो जाओ आज आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है घर पे जाके थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खिचड़ी कुछ थोड़ा हल्का खाके आओ जाओ तो श्रीजी फिर उठ के उसको थोड़ा आदेश निर्देश किया सब सुंदर सादा आसपास के धामी मोहल्लों में रहते थे या कोई बंगला जी दरबार में रहते थे सब सुंदर साद उठ के अपने अपने मोहल्लों में गए और थोड़ा कुछ खिचड़ी जैसे कडी ऐसा हल्का फुलका खाके फिर वापस आके बंगला जी दरबार में ऐसे ही बैठ गए जब वापस आए तो श्री जी फिर ऐसे ही बैठ गए सुमसाम कोई हलचल नहीं कोई क्रिया नहीं तो फिर श्रीजी को देख के सुंदर साध फिर सुमसाम उदास मन से बैठ गए फिर तीतिया की रात आई रात भी बीतने लगी रात जब पूरी होने में चतुर्थ के दिन रात की दो घड़ी बाकी सुबह का छह बजने में दो घड़ी रात जब बाकी थी तब श्री जी जी अक्षरातीत महामति के धाम दिल में विराजमान होकर जो लीला कर रहे वो महामती की आत्म और गहन समाधि में डूब गई सुंदर साथ ने देखा अरे श्री जी का तो शरीर ऐसे समाधिस्त हो गया हिल नहीं रहा डुल नहीं रहा है ऐसे गहन समाधि में चला गया है देखो किसी ने तो ऐसा ही मान लिया कि श्री जी हमारे बीच से चले गए धाम चले गए देखो अंतर ध्यान लीला कर लिया हमारे बीच से लेकिन श्री जी हमारे बीच से कहीं भी नहीं गए हमारे बीच में ही, ही श्री जी क्योंकि वाणी में बताया कि रे न सकू में रू बिन रू रह न सके बिन श्री जी तब तक हमारे साथ रहेंगे कि जब जहां तक हम रूहे इस ब्रह्मांड में हैं, लेकिन सुंदर साथ ने जब सिंहासन की ओर देखा तो श्री जी ऐसे बस सिर झुक गए गहन समाधि में डूब गए तो सुंदर साथ दूर से देख रहे कोई कोई नजदीक से देख रहे जहां जिस जगह से देखा ही गिर गया एक पल की देरी नहीं की सुंदर साथ ने ही क्योंकि जिसने 11 11 साल कई सुंदर साथ मान लो 1722 से दीव बंदर से निकले सुंदर साथ तो रास्ते में उसने 11 11 साल तक बंगला जी दरबार का प्रेम का अनंत सागर का रस पिया और 18 साल की पद में धाम धनी के मुखार बिन से अमृतमय चर्चा का रसमान किया चर्चा की अर्चा ऐसा परमधाम का ब्रज का रास का ऐसा अनंत सुख लिया वो रूहे भला कैसे श्री जी के बिना रह सकती है तो जहां देखा वहां ही गिर गए सुंदर साद बस मान लिया श्री श्रीजी हमारे बीच से चले गए यही समय मान लो के चतुर्थी के दिन है वहां तभी इस टाइम पे छत्र जी महू में इस टाइम पे यहाँ नहीं है बंगला जी में अपनी राजधानी वहां भी थी ने तो मऊ सहानिया में है वहां अंत प्रेरणा हुई कि छत्रसाल छत्ता साकुंडल जाओ पन्ना में कुछ अनघटित घटना होने वाली है कुछ होने वाला जल्दी से वहां जाओ अंदर से एक इलाहम हुआ संदेश मैसेज मिला तो जल्दी से छत्रसाल से अपने भले भाई नामक घोड़ा को लेकर जल्दी से निकल गए सुंदर जी अभी अषाढ़ महीना चल रहा है तो अषाढ़ महीने में बारिश भी ज्यादा होती है ऐसी मुसलधार बारिश भी बरस रही है छत्र देखा किसी और इधर उधर नहीं देखा बस देवकुरी जी रहते थे छत्र साल को तीन थी बड़ी रानी देवकुरी मजली रानी सुशीला महारानी और छोटी रानी कमला रानी तो देवकुरी ने पूछा लेकिन छत्र साल ने किसी की ओर किसी का नहीं सुना वहां से बस कोई तत्काल वही घड़ी में निकल गए और वहां से भी श्री जी ने दो सुंदर साथ को भेज दिया कि जाओ छत्ता को संदेश दो साकुंडल को लेकिन केन नदी के किनारे पर पहुंचे तो केन नदी तो दोनों घाट दोनों किनारे ऐसे पूर्व बहाव घोड़ा पूर जा रहे कैसे सुंदर साथ अंदर पैर रखे कैसे नदी पार करे वो तो वहां ही रुक गए लेकिन छत्रसाल उसकी ओर से पहुंच गए उस पार से और देखा लेकिन धाम धनी का नाम ले लिया बस धाम धनी आप ही बचाओ बस आप ही मेरे सर्वस्व हो आप ही मेरे सर्वशक्तिमान हो आप ही कृपा के सागर हो आप ही कृपा निधान हो तो ऐसे कहकर बस नदी में भले भाई नामक घोड़ा को डाला और सुंदर सा जी जैसे रास्ते पर चलते हैं ऐसे नदी में घोड़ा पर सवार होकर पार उतरे घोड़ा पानी के बहाव में बहने भी लगा लेकिन धाम धनी थोड़ी सुंदर जी उसने बचा लिया और किनारे कर कर किनारे आ गया, और ऐसे जल्दी से सुंदर साहद जी बंगला जी दरबार में पहुंचे आने के बाद जब ब्रह्म चबूतरा पर अपना चरण कमल अपना पैर रखते तो बंगलाजी दरबार पूरा सुमसाम कोई किसी की आवाज नहीं नई चर्चा नहीं चर्चा की अर्चा नहीं बारी गाने वाला कोई चौदह तो बारी गाने वाले आते थे ने? एक जाए जाए दूसरी आए दूसरी जाए तीसरी आए कोई आवाज नहीं अरे छत्रसाल सोच रहे कि क्या अजुआ अरे मैं आता तभी श्री जी सीधी आवाज लगाते अरे छत्ता अरे साकुंडल तू आ गए क्या सुंदर साथ की इतनी शोर आज तो कुछ नहीं इतना सुनसान इतना गंभीर वातावरण जब अंदर आए श्रीजी के पास पहुंचे श्री जी को जब देखा तो छत्रसाल, साल छत्ता तभी इस टाइम वहां ही गिर गए फिर खड़े हुए फिर श्री जी की ओर देखने लगे और मूल मिलावे में अपनी दृष्टि पहुंचा कर शाकुंडल ने प्राण प्रियतम प्राण नाथ प्राण वल्लभ को पुकारा धाम धनी बस आप जल्दी से बोलिए मेरे सामने जल्दी मेरे सामने बात कीजिए तो भी श्री जी जवाब नहीं दे रहे सिंहासन पर से तभी छत्तर साल ने सोचा अरे जिसने मेरे को ग्यारह ग्यारह साल तक इतना अनंत रस प्रवाहित किया प्रेम का आनंद के सागर में डुबोया अरे मैंने जिसकी अक्षरा तीत के स्वरूप के पहचान कर ली मैंने पूर्ण पहचान कर ली हो धनी के बिना मैं कैसे रह पाता हो क्षण तब क्षण बस म्यान से अपनी तलवार निकाली अपना गले पर जब चलाने के लिए तलवार उठाई तब श्रीजी सिंह हल्के से ऐसे हाथ उठाया और साल के हाथ को खींच लिया अरे छत्ता क्या तूने मेरे शरीर को प्राणनाथ समझा है क्या ये मिहराज के तन को प्राणनाथ समझा है क्या तू देख मेरी पीठ के पीछे देख देख मेरे जामे को उठाकर तू केन नदी पार करके आया ने देख घोड़े के पांव उसके पांव के निशान मेरे पीठ पर है या नहीं तू देख ले तभी छत्रसाल पीठ के पीछे देखते सुंदर जी तभी ही गिर जाते हैं और अंदर से पश्चाताप करते और कहते सी जी को कि धाम धनी मैंने अभी तक आपकी नहीं पहचान की क्या फिर छत्रसाल को श्री जी जागनी के उत्तरदायित्व का काम सौंपते हैं और कहते हैं कि छत्ता जो वाणी उतरी है ने उस वाणी का और का ज्ञान पूरे संसार में आपको प्रकाश फैलाना है सुंदर साथ समाज का जागनी का उत्तरदायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं आपको मेरे साथ नहीं चलना है सुंदर साथ जी छत्रसाल को यह काम सौंपा ऐसे लाल दास भी हम बीतक में आगे सुनेंगे उसमें भी बताया कि लाल दासी ने भी बीतक साहब में बताया कि मैं भी धाम धनी के एक अंग अंगी बनकर मैं अंतिम स्वास्थ्य सेवा निभाई लेकिन जब धाम धनी हमारे बीच से अंतर ध्यान हुए तभी मैं सबको पानी पिलाने के लिए यहाँ खड़ी रह गई क्या मैं क्यों साथ नहीं चली बोल रहे हैं। मैं क्यों साथ नहीं चली तभी श्री जी लाल आज्ञा करते देते के लाल दास आपको जो हमारा घटनाक्रम जामनगर नहीं मूल मिलावे से लेकर सातवें दिन की लीला तक जब तक में सातवें दिन में तन अखंड हो गए जीव के और सुंदर साहद जी आत्मा परातम में वापस लौटेगी तब तक की जो लीला हुई हमारी वो घटनाक्रम आपको लिखना है और केशव दास जी को भी सोपा काम केशव के दास जी आपको भी जो हमारी वाणी जामनगर से लेकर पन्ना तक उतरी है रास से लेकर क्यामत तक की जो वाणी उतरी है वो सब सीरियल वाइज एक क्रम वाइज क्रम जिल्द बांध के आपको एक के रूप में तैयार करना है ऐसे सब सुंदर साथ को अलग अलग जागनी के उत्तरदायित्व काम सौंप कर प्रणधार सुंदर साथ जी श्री जी ने बोल दिया कि हे छत्रशाल ये सब जो मैं काम सौंप रहा हूँ सब ने अपने अपनी जवाबदारी निभाना है मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ मैं आपके दिल में बैठा हूँ सब सुंदर साथ के दिल में बैठा हूँ और एक वाणी में बैठूंगा मेरे को कहीं इधर उधर खोजना नहीं मैं कहीं भी नहीं मिलूंगा सिर्फ वाणी में मिलूंगा और सुंदर साथ के दिल में मिलूंगा और मेरी वाणी जो उतरी है आवेश स्वरूप से वो वाणी को आज जो चौथ का दिन है पूरा दिन तभी शुक्रवार का दिन था क्या दिन था शुक्रवार का तब तक तक शाम पूरा दिन दर्शन के लिए कांगला जी, जी दरबार में श्री जी के तन को नूरी तन को रख रख दिया फिर श्री जी ने बोला कि पाचम के दिन जो श्री जी की हाजिरी में सुंदर शाह जी जब श्री जी की उपस्थिति में बंगला जी दरबार नहीं बने थे बंगला जी दरबार उसके जाने के बाद अंतर लीला के बाद बना जब उसके उपस्थिति में कुमर जी पहले बन चुका था उसकी उपस्थिति में कुमर जी पहले बन चुका था तो सब सुंदर सात को आदेश दिया कि सुंदर सात जी कुमर जी दरबार में नीचे तहखाना एक बोम नीचे सेलर में मेरा नूरी तन झूले पर हिंदोले पर विराजमान कर देना और ऊपर जहाँ सजदा बजाते ने हमारा सिर झुकाते ने प्रणाम करने के लिए जब हम पन्ना में जाते तब तो स्वरूप साहब को प्रणाम करते वागा श्रृंगार को उसके नीचे एक भोम वहां श्री जी का साक्षात नूरी तन सुंदर साद जी विराजमान कर दिया तो हो नूरी तन आज भी जो 400 साल पहले जो तन सुंदरशाह जी जो विराजमान किया हुई तन आज भी वहाँ है नूरी स्वरूप से है मैंने अभी बोला ने जो ऋषि मुनि अपने तन टिका सकते हैं तो क्या श्री जी के लिए कोई अशक्य काम नहीं था तो जिसके दिल में आज जो आस्था है धनी के प्रति धनी के प्रति निष्ठा है पूरी धनी के प्रति पूरी श्रद्धा है धनी के प्रति पूरा विरह का रस है धनी के प्रति पूरा प्रेम है तो उसके लिए धनी 400 साल पहले जिस रूप में थे वही आज भी उस रूप में धनी वहाँ विराजमान है धनी कभी भी कहीं गए नहीं है पहले भी नहीं गए थे आज वर्तमान में भी श्री जी हमारे धाम दिल में भी है और वहाँ गुमर जी दरबार में झूले पर विराजमान है और भविष्य में आने वाले टाइम में भी धनी जब तक जहाँ तक ये ये सुंदर साथ इस ब्रह्मांड में रहेंगे इस नश्वर जगत में रहेंगे तब तक धनी कहीं भी नहीं जाएंगे ये धनी सुंदर सा जी आज भी है पहले भी था और ये ब्रह्मांड में रूहे रहेगी तब तक रहेगा हा जो लोग मान रहे हैं जो सुंदर साथ के अंदर श्रद्धा नहीं है उसका दिल में जो भाव नहीं है उसके लिए ऐसा है कि नहीं हमारे बीच में से धनी चले गए धनी कहीं भी नहीं गए है पांचवें दिन की लीला पूर्ण करके सब सुंदर साथ के दिल में बैठे हैं और आज भी वो लीला कर रहे हैं इसलिए तो सुंदर साहद जी वो दर्द वो विरह लेकर आज आप सब सुंदर साथ उपस्थित हुए हैं तो सुंदर साहद जी जो त्रिज चौथ का जो महत्व है उसकी क्या गरिमा है उसका क्या लीला उस दिन हुई थी वो को पूरा विस्तार से सुना और पाचम के दिन वो स्वरूप को पधरा भी दिया और आज छठवी का दिन आया क्या आया आज छठवीं का दिन आया और पाचम के दिन लालदासी जी को आदेश हुआ बित्तक साहब साहेब लिखने का तो ऐसे सब सुंदर साथ को जो जवाबदारी सौंपी उत्तरदायित्व सौंपा निभाते, निभाते चार सौ साल की परंपरा में हम आज हो को, हम चार सौ साल से पढ़ते आ रहे हैं उसकी चर्चा भी करते आ रहे हैं उसकी चर्चा हम सुनते आ रहे हैं तो चर्चा हम किसको कहते हैं और बीतक किसको कहते हैं उस पर हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण करें और उसके बाद हम आगे और लीला में जाएंगे बोलो श्री प्राणनाथ नाथ श्री जी महाराज के धाम दिल में बैठकर कर महामती जी बता रहे कि अथ तीन स्वरूपों की बीतक लिखते अथ तीन स्वरूपों की बीतक पहले तो हम यह सुने कि बीतक किसको कहते हैं बीतक कहते हैं किसको बीतक कोई मानवीय इतिहास नहीं है जो सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही परंपरा में चाहे अवतार ले लो चाहे भगवान ले लो चाहे महापुरुषों ले लो चाहे पैगंबर ले लो चाहे तीर्थंकर ले लो चाहे संत मनीषी भक्त या शिष्य ले लो बीतको सुंदर साथ जी जब ये ब्रह्मांड नहीं था ना ही निराकार ना निरंजन ना, ना मूल प्रकृति तादिन की कहू आपा बीती जब ये सृष्टि भी नहीं थी तभी भी उस टाइम पे भी हम रु अनादिकाल से हो प्रियतम के साथ परम धाम में हम सब ब्रह्मात्माए अष्ट चौसठ गड़ी वहां समय तक के तो कोई मर्यादा नहीं है लेकिन यहाँ के लीला के आधार पर हम पूरा दिन ऐसी इश्कमय और आनंदमय लीला में डूबे रहते थे ऐसे इश्कमय और आनंदमय लीला का जो घटना क्रम है जैसे सूर्य के साथ जो उसकी उसकी किरणें रहती है। सागर से लहरें जैसे अलग नहीं होती ने जैसे सूर्य से उसकी किरणें नहीं अलग होती सागर से उसकी लहरें अलग नहीं होती हाथ से उसकी अंगुली अलग नहीं होती चंद्रमा से उसकी चांदनी अलग नहीं होती ऐसे अक्षरातीत पार ब्रह्म, सचिदानंद, ब्रह्म श्री राजी श्री प्राण नाथ श्री प्राण वल्लभ से हम सब आत्माएं अलग नहीं है हमारा उसके साथ का क्या संबंध है सुंदर साथ जी एक अंग अंगी का एक अंग अंगी का संबंध है एक आत्मा प्राण प्रियतम का संबंध है तो जो लीला ल से घटती आ रही है और भी, भी ये लीला चालू है वहां कभी नाश नहीं होती वो लीला कभी भी बंद नहीं होती और ये संसार जब ये सृष्टि का महाप्रलय हो जाएगा तभी भी वो लीला अनंत काल तक चालू रहेगी वही घटना क्रम को सुंदर शाह जी बीतक वृतांत कहते हैं और बित्तक किसको कहते हैं जैसे उसके पर अक्षर और उसके पर अद्वित भूमिका में अनादिकार से हम सब रूह की लीला जो चलती आ रही है वर्तमान में चल रही है और अनंत समय तक चलती रहेगी और छह दिन में धनी ने बताया कि पांच बेर हम वास्ते पियू ने सागर में डारिया आप पांच बेर सागर में डारिया आप तो पांच बार ये धाम धनी हम वास्ते इस माया रूपी संसार में वो धनी आए और पांच दिन में जो लीला को उसने इस नस्वर संसार में जाहिर किया हुई लीला का घटना क्रम और फिर वापस लौट के हम मूलतन में जगेगी वही घटनाक्रम को हम बीतक कहते हैं फिर हम चर्चा और कथा को भी समझ लेंगे थोड़ा चर्चा किसको कहते हैं और कथा किसको कहते हैं कथा पहले हम कथा को समझे कथा जहां कोई जगह रामायण की कथा लगती है कोई जगह भागवत की कथा लगती है कोई जगह गीता का प्रवचन होता है कोई जगह कोई वेद पर होती है कोई जगह कोई शास्त्रों पुराणों पर होती है कोई जगह देवी भागवत पर चर्चा होती है शिव पुराण पर चर्चा होती है ऐसे हम बोलते हैं कि वहां कथा चल रही है लेकिन कथा और चर्चा में बहुत अंतर है बहुत तफावत है कथा इसको कहते हैं सुंदर साथ जी कि कथा में वक्ता बोलते हैं और श्रोता सुनते जाते हैं वक्ता यहाँ से बस लगातार बोलते जाते हैं और सोता सुनते जाते हैं और सोता जो सुनते हैं वही चर्चा भी नहीं है जिस जिस जो सुन रहे हैं चर्चा उसकी नहीं है वो बात उसकी नहीं है वो बात भी तीसरी है तीसरे की है कोई तीसरी लीला की है समझ के बात जो वक्ता बात कर रहे हैं उसकी भी लीला नहीं है और जो सुन रहे उसकी भी लीला नहीं है दोनों से अलग तीसरे की है मान लो रामायण की लीला चल रही है तो रामायण करने वाले मान लो मोरारी बापू है सुनने वाला श्रोता है कथा किसकी चल रही है राम की उसकी नहीं है ने, उसकी नहीं है ने, उसको बोलते कथा तीनों अलग अलग है लेकिन चर्चा किसको बोलते हैं जो चर्चा करने वाले सुंदर साथ है वो लीला बोल रहे वो भी अपनी लीला है सुन रहे वो किसकी लीला सुन रहे है? वो भी अपनी लीला सुन रहे, सुन रहे और किसकी सुना रही हूं धाम धनी की अपने घर की लीला सुन रहे हैं ना हम किसी की लीला नहीं सुन रहे तो तीनों एक है ना? उसको बोलते हैं चर्चा चर्चा में आपले होती है चर्चा में, में एक दिल से दूसरे दिल की शेयर होती है चर्चा में क्या होता है एक दिल से दूसरे दिल की घर की बातों की शेयर होती है बातों की।, बातों की उसमें दिमाग का काम नहीं होता है, या दिल से बात होती है दिमाग से नहीं उसको बोलते हैं चर्चा तो अर्थ तीन स्वरूपों की बीतक उसमें तीन स्वरूप कौन कौन सा तीन स्वरूप परूँ, परूँ। हमने बीतक का तो सुन लिया बीतक कहते हैं किसको? और एक जगह धामधनी चौपाई भी बीतक में लिखते हैं विरोध सारा विश्व का इन है सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमो हक क्या बोला धामधनी ने वाणी में सबको पहचान हो वही पहुंचे कदमों हक ये बीतक क्या करेगी सुंदर साजी सबका संशय का, का निवारण लाएगी सबके अंदर जो संशय बने कि वास्तव में क्या धनी है वास्तव में हमारी आत्म के प्रियतम है क्या वास्तव में हमारे घर है क्या अभी हमारे अंदर कई प्रकार के संशय बने हैं अभी हम पूरे संशय रहित ने, ने तो धाम धन्य तो वाणी में बताया कि ऐता मता तुमको दिया जानत हो सब दिल बेशक इल्म में ना समझो तो सहूर करो सब मिल ये इलम तो बेशक है लेकिन हम बेशक अभी नहीं हुए कई बातों का हमारे अंदर संशय रहता है तो धाम धनी ने बताया कि सुंदर साथ जी ये संशय करने वाली वाणी नहीं है ये बेशक इलम आ गया और जो पूरा संसार में जो विरोध चल रहा है ने किसका विरोध चल रहा है अनेक मत पंथों में सब मत पंथ वाले क्या बोल रहे हैं कि हमारा आराध्य जिस चीज को मान रहे ने अपने आराध्य और इष्ट के रूप में तो उसको क्या मान रहे हैं कि हमारा आराध्य बड़ा वो दूसरे पंथ वाले कह रहे कि हमारा आराध्य बड़ा और हमारी देवी बड़ी हमारे भगवान बड़े हमारे अवतार बड़े और आपके पंथ नीचे सबके अरस परस ये विरोध चल रहे हैं ने। लेकिन किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ तक की भक्ति कर रहे हैं वो 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 भक्ति को हम क्या मिलेगा वो भक्ति करके हम कहां तक और वहाँ पहुंचने के बाद क्या अखंड मुक्ति मिलेगी तो अंतिम में क्या जवाब मिलेगा क्योंकि भागवत में भी बता दिया कि जब महाप्रलय होगा तभी ये पांच तत्व चौदह लोग और तीन गुण नहीं बचेगा तो जीव का ठिकाना कहाँ रहेगा तो आज सभी मत पंथ एक दूसरे के सामने आमने सामने जो लड़ रहे उसको पता ही नहीं है कि हम कौन है और कहाँ से आए और ये संसार ये शरीर छोड़ के हमको जाना कहाँ है उसको दुनिया को ये पता नहीं है तो वो कौन पहचान कराएगा ये बिथक बोलो श्री प्राणनाथ बित्तक सबको पहचान कराएगी कि हम हैं कौन और आए कहा से और यह संसार छोड़ के जाना कहा है और विरोध क्या भांगेगे अरे धाम धनी ने बताया वानी में भी बताया बित्तक साहब में भी बता दिया कहीं कहीं जगह क्या आज बड़े बड़े उमरा बड़े बड़े गादीपति आज कई मत पंथ के आज बड़ाई लेके अपने अहंकार लेके जो बैठे है नामदरी ने, ने वाणी में बताया जी जब या, जागनी यात्रा में निकले तो रुई की माफक सब उठ गए रुई की माफक उठ गए बड़े बड़े गादीपति चिंतामणि कैसे बैठे थे हरजी व्यास जूनागढ़ में कैसे बैठे थे क्या जवाब आया कांजी भट्ट कैसे बैठे थे चार प्रश्न पूछा सिर्फ केशवराय ने केशवराय ठाकुर ने पूछा ने कि कितने लोग कितने तत्व कितने प्रलय और कितने गुण क्या जवाब मिला तो ऐसे बड़े बड़े जो उमरा गति बनकर बैठे और आज जो दावा लेकर बैठे हैं ना सब हम ही बड़े और हमारा संप्रदाय बड़ा हमारा मत बड़ा हमारा परमात्मा बड़ा तो धाम धनी ने बताया कि बीतक तो सबको पहचान कराएगी और सबके ज्ञान को एक सुर फूके धामदनी ज्ञान रूपी फूक भी दिया ने तब सब हवाई की माफक उड़ जाएगे और धामदनी ने बीतक में और भी बताया वाणी में भी बताया कि बाघ बकरी एक संग चरे कोई ना करे किसी को जेर और उड़ गयो सबको ब्रोध सबको ब्रोध उड़ जाएगे कोई बाघ बकरी कौन क्या बकरी और बाघ एक साथ क्या घास चरेंगे क्या बकरी को सीधा प्रहार करके अपना खुराक बना लेंगे ना बाघ कौन बाघ और बकरी गदी गदी गादीपति और उमराह जो है ना आज और वो और उसके शिष्य उसके बीच में दूरी नहीं रहेगी कब जब ये वाणी इस संसार में जब ये ब्रह्म ज्ञान आएगा तभी कोई बीच की दूरी नहीं रहेगी सब एक समान सब एक रस हो जाएंगे यही बीतक काम करेंगे आगे बताया अथ तीन स्वरूपों की बीतक पहला अथ शब्द को हम समझेंगे सुंदर साथ जी तो अथ शब्द में जो जो शास्त्र बताए तो अथ पहले तो हम मंगलाचरण को समझेंगे किसको समझेंगे मंगलाचरण को समझेंगे तो जहां स्वयं अक्षरातीत आप एकाग्रता से सुनना जहां अक्षरातीत स्वय स्वयं स्वय प्राण वल्लभ प्राण नाथ सचिदानंद पूर्णब्रम परमात्मा खुद जो ये बात या घटनाक्रम को कहने वाले हैं और सुनने वाले भी उसके आत्माओं वहां मंगलाचरण किस आराध्य के नाम से किया जाएगा तो कोई उसका आराध्य ही नहीं रहेगा जैसे सुप्रीम सर्वोच्च ही रहेगा मंगलाचरण में मूल में ही तो किस नाम से मंगलाचरण किया जाएगा हा वैदिक धर्मशास्त्रों, आठ ग्रंथों में चाहे वेद हो चाहे छ शास्त्र हो चाहे उसका व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद हो उसमें बताया अथ और शब्द का जो शब्द प्रयोग किया गया है वो शब्द प्रयोग पहले ग्रंथकार जब ग्रंथ की रचना करते ने, जब ग्रंथकार ग्रंथ की रचना करते तब रचना करने से पहले रचना करने से पहले जब रचना करने जा रहे उससे पहले वो पर अक्षरातीत ब्रह्म परमात्मा सचिदानंद के ध्यान में डूबे थे उस चिंतन में डूबे थे और ध्यान से उठने के बाद जब वो ग्रंथ लिखने के लिए बैठे तब अपना सर्वस्व अपने कहने के लिए कुछ नहीं रखा अपना अस्तित्व मिटा दिया अपना सर्वस्व पार ब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में समर्पण कर दिया तो सुंदर बताया कि मंगलाचरण का अभिप्राय ग्रंथकार ने अपना सब कुछ बार ब्रह्म के चरणों में समर्पण कर दिया और ओहम अथ सब्दों का किस आधार पर शब्द प्रयोग किया गया है तो मैंने अभी बताया आर्स ग्रंथ वैदिक साहित्य में पहले जब ग्रंथ की रचना करने के लिए जब शुरू करते तो पहले जब सूत्र लिखते तो पहले योग जो छह शास्त्र है ना हमारे छह शास्त्र कितने छह शास्त्र योग मीमांसा वेदांत पतंजल वैशेषिक और सांख्य तो यहां जो बताया है कि अथ योग अनुशासनम अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथा तो धर्म जिज्ञासा ऐसे वेदांत दर्शन मीमांसा दर्शन जैसे पहले सूत्र में जिसमें पहले सूत्र में वही सूत्र के शब्द प्रयोग करके ग्रंथ का प्रारंभ किया है तो वैदिक साहित्य का जब प्रारंभ होता तो अथवा ओहम शब्द से प्रारंभ किया जाता था सुंदर साथ जी और आगे हम बढ़े तो तीन स्वरूपों की बीतक कितने स्वरूपों की बीतक तीन स्वरूपों की बीतक तो यहां प्रश्न उठता है कि तीन स्वरूप हम किस किस को लेंगे क्योंकि हम अभी तक तो हमारे निजानंद संप्रदाय की परंपरा में हम सुनते आ रहे हैं वाणी के आधार पर चाहे वित्तक के आधार पर के बसरी मलकी और हकी अथवा ब्रज रास और जागनी क्या बोला ब्रज रास और जागनी लेकिन सुंदर शाह जी यहां तो जो बीतक लिखा गया वो तो जागनी ब्रह्मांड के संबंधित है ना उसमें कोई ब्रज रास की लीला के, के संबंधित तो बस थोड़ी सी मात्र इशारा थोड़ा सा मात्र इशारा दिया है वो तीसरे दिन की लीला का भी थोड़ा सा मात्र वर्णन किया है सबसे ज्यादा जागणी ब्रह्मांड के संबंधित ही बीतक है पूरी बीतक जो बीतक लिखी गई ने लालदासी के धाम दिल से तो पूरी जागणी ब्रह्मांड के संबंधित तीसरी ब्रह्मांड जो तीसरा हमारा हुआ ने वो जागणी ब्रह्मांड के संबंधित लिखा गया है तो उसमें चार पांच और छठे दिन की ही लीला होगी विशेष करके चार पांच और छठे दिन की लीला ही होगी और दूसरी बात हम ले तो कितने सालों के लिखी गई? 120 साल की कितने सालों की 120 साल की कुरान में पहले से साक्षियां लिखवाई थी सुंदर जी तीसरे दिन में क्या लिखवाई थी के सोई सरत कुरान में लिखी पांच सौ दिना जाहिर होवे दिन ऐसे और साक्षी भी लिखी थी नौ सौ नब्बे नौ मास रसूल को हुए जब रुहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब वही साक्षी के आधार पर हम देखेंगे तो पूरा पक्का पता लग जाएगा कि तीसरे दिन की लीला का तो मात्र थोड़ा सा वर्णन है और ब्रज रास का मात्र इशारा ही है मूल इसलिए की लीला का पहले ले लिया है तो 120 साल की लीला कहां से कहां तक होगी तो सुंदर शाह जी उसको हम आगे देखेंगे तो विक्रम सवन चौथे दिन की लीला कहां से प्रारंभ हुई चौथे दिन की लीला विक्रम सवन सोर सो अड़तीस के अड़तीस से लेकर विक्रम सवन सत्र तक कितने तक विक्रम सवन सोर सो अड़तीस अड़तीस से लेकर विक्रम सवन सत्रह सो तक एक सौ बीस साल पूरे होते हैं उसमें चार चौथा दिन पांचवा दिन और छठा दिन की लीला पूरी होती है तो चौथे दिन की कहां तक की पांचवे दिन की कहां तक की और छठे दिन की कहां तक की तो चौथे दिन की लीला हम जब अलग देखेंगे तो विक्रम सवन सोलह और सो से लेकर सो तक की चौथे दिन की लीला विक्रम सवन सत्रह से लेकर विक्रम सन सत्रह तक की पांचवे दिन की लीला विक्रम सवन सत्रह से लेकर सत्रह तक भी 120 साल पूरे हो जाते हैं तो सात साल की महाराजा छत्र साल के तन से ये लीला पूरी हुई कई लीला आवेश लीला तो ऐसे 120 वर्ष की लीला में और एक आगे और भी प्रमाण है ईसा पातशाही बरस चालीस ये भी मैं बता रही हूँ कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के देवच अंदर कौन आए श्यामा जी सुंदरबाई स्वरूप श्री श्यामा जी कौन सुंदरबाई स्वरूप श्री श्यामा जी श्यामाजी श्यामा जी आए तो विक्रम सन सोलह सो में लेकिन तभी वाणी नहीं उतरी उसको तीसरे दर्शन में बीज मंत्र तारतम मंत्र भी उतर गया उसके तन से एक चौपाई का अवतरण हुआ अंतिम पांच चौपाई महामति के धाम दीप से पांचवें दिन में उतरी उस टाइम पे 313 आत्माएं भी जगी जागृत बुद्धि भी चौथे दिन में सतगुरु दणीसी देवचंद्र जी श्यामा जी के अंदर 1638 सो में आ गई क्योंकि चौपाई पुरवार करती है कि एते इद्रंति लोक में हुती जो बुद्ध स्वप्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पुरी नौतन जागृत तो बुद्धि तो आ गई लेकिन पूर्णवाणी क्योंकि पहले से मूल स्वरूप ने दिल में दूसरे जामे में लिखा था ने, बताया ने कि रुहल्ला आउसी दो जामे पैर सी सोई इमाम मेहंदी जो दूसरे पर मुर्दार बताया ने इमाम दो जामा कौन पैर से रूहल्ला लेकिन पहले जामे चौथे दिन में रूहल्ला श्यामा जी देवचंद्र जी के तन में जागनी नहीं होगी और पांचवें दिन में दूसरे जा में महामती के धाम दिल से सब आत्माओं की जागनी होगी तो सुंदर साथ जी जागृत बुद्धि तो आ गई ब्रज में कितनी शक्ति आई हम आगे ले गए लेकिन यहां थोड़ी मैं इशारा कर देती हूं थोड़ा ही ब्रज में कितनी शक्ति आई मूल सूरत अक्षर कीजिए चीन चाहिया देखो प्रेम सने सो सूरत धनी को ले आवेश नंदगर की शक्ति आई अक्षर की आत्म और राज्य का जोश आवेश दो शक्ति आई फिर रास में भी दो शक्ति तीसरे दिन मोहम्मद के दिन में मोहम्मद साहिब के दिन में राज्य के जोश और अक्षर की आत्म और चौथे दिन में इस तीन शक्ति के साथ चौथी श्यामा जी की आत्मा और जागृत बुद्धि भी आ गई लेकिन एकाग्रता थे सुनो आप लेकिन पांचवी जो शक्ति जागृत बुद्धि की आ तो गई, लेकिन जाहिर नहीं हुई थी जाहिर कब हुई मैं चौपाई बताई ने कि ईसा पातशाही बरस चालीस जो ईसा मतलब सतगुरु धनी देवचंद जी के अंदर रहे हुए श्यामा महारानी के पातशाही का जो चालीस साल बोला वो 40 साल कब से शुरू होता है विक्रम सवन सत्तर जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप हरिद्वार के कुंभ मेले में जब जाहिर होंगे हम लीला में आगे जाएंगे लेकिन यहाँ में इशारा किया तब तहा से ईसा पातशाही श्यामा जी की जो 40 वर्ष की पातशाही का जो दिन शुरू होते तो ग्यारहवीं सदी के 10 साल विक्रम सन 1735 से लेकर विक्रम सवन 1745 तक का 10 वर्ष ग्यारहवीं सदी के और पीछे बारहवीं सदी का अगले का 30 साल तो कहाँ तक तो 45 से 75 तक 1775 तक का 30 साल तो 40 साल हुआ सत्तर सौ से लेकर 45 तक तब तक सभी ब्रह्मत्मा ग्यारहवीं सदी में जितनी ब्रमात्मा जगनी थी वो जग गई पूरी वाणी भी मार्फत सागर क्यामत तक क्या से लेकर क्यामत तक की मार्फत की त्रीस हजार जो बातुनी जो वाणी थी वो भी उतर गई गहन रहस्य थे वो भी तभी खुल गए और जो अंतिम में त्रीस साल बारहवीं सदी के तो पहले के अग, अगले तीस ती, ती साल इस तीस साल में ईश्वरी सृष्टि साथ में आई थी ना चौबीस हजार उसमें से ईश्वरी सृष्टि तीस साल में जगी और बारहवीं सदी के जो अंतिम सत्तर साल रहे कितने साल सत्तर साल तीस साल तो, 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 तो उसमें आ गए ना बारहवीं सदी के चालीस साल में तो सत्र साल पुल सरात के कहे खंडा की धार तलवार की धार के समान कहे तो इन जो सुंदर सुंदरबाई स्वरूप श्यामा जी की जो अंदर बैठी हुई जो श्यामा जी थी उसको भी पूर्ण पहचान उस भी उसकी भी जागृति 1735 से 45 के बीच में जब पूरी वाणी उतर गई तब उस तब टाइम हुई तो सुंदर साथ जी इसलिए जो मैंने अभी अभी बताया उसमें 16 साल की लीला विक्रम सवन 1735 से लेकर सत्रह तक में 16 साल की लीला मिहरा ठाकुर के तन से महामती के धाम दिल से हुई और बाकी की जो अंतिम रही वो चौबीस साल की लीला महाराजा छत्र साल के तन से पूरी हुई इसलिए सुंदर जी चार पांच और छठा दिन ये तीन में बसरी मल की हकी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने अभी बताया कि तीसरे दिन का तो इशारा मात्र है और ब्रजरास के मात्र थोड़ा सा वर्णन है और आपको एक और प्रश्न उठेगा क्या प्रश्न उठेगा कि महाराजा छत्रसाल को तीसरे स्वरूप में क्यों लिया क्यों लिया तो उसका और समाधान है महाराजा छत्रसाल की की चौपाई की कुल चौपाई तैतालीस सौ सत्रहतर चौपाइया है उसमें से महाराजा छत्रसाल संबंधित जितनी चौपाई मैं बता रही हूँ एक हजार के आसपास की प्रकरण नंबर साइंस से लेकर अष्टम तक सेवेंटी थ्री प्रकरण तक तेरह सौ चौपाई में एक हजार के आसपास की चौपाइया महाराजा छत्रसाल के संबंधित है इसलिए सुंदर साथ जी छत्र साल को तीसरे जो चार पांच और छठे दिन में लिया गया और भी आगे बढ़े एक दिन बंगला जी दरबार में रात को कुरान की चर्चा चल, चल रही थी तो सत्रह तक सुंदर साथ जी छत्र साल को नहीं बताया था कुरान के बारे में क्यों बलदीवान काका को अभी ईमान नहीं आया था ने तो एक दिन रात को छत्रसाल बंगला जी दरबार के आसपास घूम रहे थे परिक्रमा दे रहे थे तो बंगला जी दरबार में श्री जी अमीरुल मुकुंदासी ऐसे चर्चा, करे, जी चर्चा करे सब चर्चा एकांत एक में हमारी खासल खास मोमिन चर्चा सुन रही है ऐसे में छत्रसाल का आना हुआ छत्रसाल जी ने देख लिया अरे मेरे को छुप के मेरे को बता के बिना ये किसकी चर्चा कर रहे हैं रात को ऐसी गुप्ता चर्चा क्या चल रही है लाओ मैं पूछ तो लू किस विषय पर चर्चा चल रही है जब लालदासी को इशारा संकेत दिया लालदासी ने देख लिया छत्रसाल जी के सामने लालदास बाहर आए बंगला जी से फिर पूछा छत्रसाल ने तब लालदास ने बोला कि मैं अंदर जाके श्री जी को पूछ के बताऊंगा तब श्री जी ने बोला हा अंदर बुलाओ फिर अंदर आए छत्रसाल फिर छत्रसाल के साथ बातचीत हुई छत्रसाल को श्री जी ने बताया छत्ता अभी तक मैंने आपको कुरान के बारे में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसमें मुस्लिम धर्म की मुस्लिम समुदाय की भी बातें हैं औरंगजेब बादशाह मुगल शासन में जो शासन कर रहा है और भी आगे बात बताई कि या मैं अपनी सब बीतक या में मेरो जी, मेरो और तेरो नाम बताया तो इसमें भी छत्रसाल का नाम आया इसलिए छठे दिन में उसका नाम आता है, और भी आगे बताया जब श्री जी अंतिम लीला ओजल जल अपने अपने बीच में से जब पाचम को चौथ को करने जा रहे हैं, तभी क्या बताते हैं छत्रसाल को छत्रसाल जी जाहिर में मैं आपको ये जागनी का उत्तरदायित्व तो सौंपता हूं सोपिया श्री राज को जाहिर में श्री महाराज अब फिरत धाम को तुम रहियो आज और भी आगे कहा महाराज जी मैं देख तू एक तुमको तीस वास्ते सेवा साथ की सोप चलते हम तो जाहिर में किसको सौंपा महाराजा छत्र साल को सोपा तो यहाँ चार पांच और छठे दिन में किसकी भी तक श्री प्रां देवचंद्र जी और पांचवें दिन में और छठे दिन में श्री छत्रसाल महाराज की भी तक आएगी उसका घटनाक्रम आएगा इसलिए और प्रमाण भी वाणी में ऐसा तो लिखे है बसरी मलकी और हकी कही तीन सूरत करशी मोहम्मद सिफायत होशी हक दीदार सबन को करशी मोहम्मद सिफायत ऐसे तो लिखे है लेकिन ज्यादा से ज्यादा घटनाक्रम चागनी ब्रह्मांड के संबंधित थे इसलिए सुंदर जी चार पांच छठा दिन में चौथो पांच और छठा दिन में छत्र साल महाराज की बात विशेष करके आएगी और हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ चार युग के राजाओं के वर्णन की श्री लालदास महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी की आत्म कह, कह रही है के धाम दिल में बैठकर महामती की आत्म कह रही है कि भविष्य पुराण में राजा कहे वचन जो है व्यास के को करो विचार ताको करो विचार भविष्य पुराण में किस पुराण की बात की भविष्य पुराण की लालदास महाराज के धाम दिल में बैठकर महामती जी की आतम कह रहे हे प्राणाधार धाम धनी के लाडले सुंदर जी, जो चार युगों के राजाओं का वर्णन करने में जा रहा हूं इंद्रावती महामती की आतम कह रही है कि चार युगों के राजा का जो मैं वर्णन करने जा रही हूं उसमें चार युग कौन कौन सा चार युग सतयुग त्रेता युग द्रापर युग और कलयुग उसमें भविष्य वो लिखा हुआ है भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, है कि चार युग में कौन कौन से राजा होंगे और कौन कौन राजा कितने कितने टाइम लीला करेंगे कितने कितने टाइम अपने अपने क्षेत्र में क्या क्या लीला करेंगे और किसको राजा कहा गया उसके बारे में आस की आत्म अब सब सुंदर साथ को बताने जा रही है कि यहाँ भविष्य पुराण में राजा कहे जुग चार तो पहले तो हम यह बात को समझे कि यहाँ राजा किसको कहा गया क्या राजमहल में रहने वाले को राजा कहा गया नहीं राजमहल में जो शासन करता है एक राज्य पर या व्यवस्था संभालता है उसको राजा नहीं कहा गया राजा किसको कहा गया जो ज्ञान में जो तप में और साधना में और प्रशासन में और वीरता के क्षेत्र में जो आगे है उसको यहां राजा कहा गया है राजा उसका भाव उसका अर्थ प्रकाशमान होता है अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी फील्ड में मान लो ज्ञान के क्षेत्र में तो कोई विद्वान होता ना जो ज्ञानी तो अपने क्षेत्र में वो ज्ञान का प्रकाश करता है करता है ना जैसे वीरता के क्षेत्र में कोई योद्धा होता तो अपने क्षेत्र में वो लड़ाई में अपना प्रकाश करता है तो ऐसे ऐसे अपने अपने क्षेत्र में जो प्रकाशवान होता उसको यहाँ राजा कहा गया है सुंदर जी फिर आगे बताया कि सतयुग त्रेता द्रापर और कलयुग पहले तो हम यही समझे सतयुग का आयुष्य आयु सत्रह लाख अट्ठाईस हजार बताई पुराण के आधार पर त्रेता की आयु बारह लाख छियानबे बताई और द्रापर की आयु आठ लाख चौसठ हजार बताई और कलयुग की आयु चार लाख बत्तीस हजार बताई पहले तो यह विचार कि उसमें जो भविष्य पुराण में पहले से जो राजाओं का वर्णन कर किया कि ये चार युग के जो राजा हो गए चार युग की जो चतुर्युग चौकड़ी में राजा हो गए उसमें हम देखेंगे ने सुंदर साहद जी तो किस चतुर्युगी के चौकड़ी के राजाओं का वर्णन है पहले हम ये देख ले सृष्टि की जब रचना होती ने तो सृष्टि के प्रारंभ से मनु से ये सृष्टि का रचनाक्रम शुरू होता है कहा से मनु से चाहे स्वयंभू मनु हो चाहे व्यवस्थ मनु हो भविष्य पुराण में जो चतुर्योगी चौकड़ी के राजाओं का जो वर्णन किया गया है उसमें वैवस्त मनु किस मनु वैवस्त मनु के सातवें वैवस्त मनंतर में मनंतर सातवें वैवस्त मनवंतर की अठयावीसवी चतुर्योगी चौकड़ी के राजाओं का वर्णन किया गया है उससे पहले छ चतुर्योगी छ मनवंतर बीत चुके हैं छ मनवंतर के चतुर्युगी चौकड़ी भी कई बीत चुकी है यह सातवें मनवंतर के मनवंतर के चतुर्युगी के के राजाओं वर्णन है पहले हम यह सुन ले मनुष्य सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रारंभ होता है वहां से ही प्रारंभ होता है तो कैसे व्यवस्था मनु मनु के पुत्र इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु की पौत्री इला और इला से सूर्यवंश और चंद्रवंश प्रारंभ होते हैं हम कई बार सुन चुके हैं सुंदर साहद जी के सूर्यवंश में कौन हुए सूर्यवंश में कौन हुए मिहराज वंश और चंद्रवंश में, में देवापी हुए ना चंद्रवंश में देवापी हुए तो ऐसे सूर्य वंश और चंद्रवंश चलते हैं हम आगे जाएंगे तो मैंने जो अभी बताया कि एक सतयुग की चौकड़ी सत्रह लाख अट्ठाईस हजार बारह लाख छियानबे हजार आठ लाख चौसठ हजार और चार लाख बत्तीस हजार ऐसी एक, एक बार बीतती ने चोकड़ी एक, एक बार तब बार। उसका प्लस करेंगे हम जब जोड़ेंगे चारों का हिसाब तो तैतालीस लाख बीस हजार साल होते कितने तैतालीस लाख बीस हजार साल होते ऐसे चोकड़ी एक बार बीती ऐसी चोकड़ी जब एक हजार बार बीतती तब चार अरब और बत्तीस करोड़ होते इतने सालों में इतने करोड़ वर्षों में ब्रह्मा जी के सुंदर साथ जी एक दिन हुए कितने एक दिन हुए ऐसे एक उसकी रात्रि होती है कितनी ऐसे एक उसकी रात्रि होती है तो रात्रि में चार अरब और बत्तीस करोड़ वर्ष तो ऐसे दोनों मिलाकर आठ अरब और चौसठ करोड़ वर्ष में ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात्रि पूरी होती है तब ब्रह्मा जी का एक कल्प पूरा होता है कितना एक कल्प जिसको क्या बोलते हैं एक दिन और एक रात्रि को एक कल्प बोलते हैं ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की लखी है क्रम में कितनी 100 साल की लखी लिखी है तो ऐसा एक कल्प एक कल्प में ब्रह्मा जी के चौदह मनवंतर कितने मनवंतर चौदह मनवंतर आते हैं चौदह मनवंतर में ये सातवे मनवंतर की हमारे दिन के कितने पहर होते हैं सुंदर शाह जी हमारे दिन के कितने पहर होते हैं आठ दिन के चार और रात्रि के चार एक पहर में कितने घंटे एक पहर में तीन घंटे और एक पौर में तीन घंटे और एक पौर तीन घंटे का है ने तो एक घड़ी कितने की साढ़ा बाईस मिनट की एक घड़ी होती ने ऐसे कितनी घड़िया चौसठ घड़ी आठ पौर चौसठ घड़िया और कितने पौर हुए आठ पौर में एक दिन और एक रात हुई उसमें जो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के कितने मनवंतर उसका चौदह पौर चौदह मनवंतर उसमें सातवें मनवंतर की अठाईसवी चौकड़ी के गए, 28 की चतुर्युगी चौकड़ी के ये राजाओं का वर्णन है और आगे देखेंगे तो सुंदर साथ जी सबसे प्रथम सतयुग में किसका नाम लिया राजा कृत और क्रुत दत्त दत और उसके आगे सुंदर शाह जी हिरणकश्यपु हिरणाक्ष ऐसे वो राक्षस हुए ने, हिरणकशिपु, हिरणाक्ष और उसके पुत्र प्रहलाद कौन प्रहलाद प्रहलाद के पुत्र चन, और के पुत्र बलि हुए कौन हुए उसके पुत्र बलि हुए बलि राजा का नाम सुनते हैं ना सब पाताल में पाताल में अतल जी पाताल में राजा का तो बलि हुए कौन हुए बलि वो सतयुग में हो गए आपको एक विचार आएगा कि उसमें सब राजाओं का वर्णन नहीं है कहीं देव का भी वर्णन आएगा कहीं ऋषि का भी वर्णन आएगा कहीं मनुष्य का भी वर्णन आएगा कहीं असुरों का भी वर्णन आएगा कहीं यवन एटले मुसलमान का भी वर्णन आएगा मान लो यहां यह नाम हुआ फिर हम आगे जाएंगे त्रेता में ये सतयुग का नाम हुआ फिर हम त्रेता में जाएंगे तो त्रेता में जाए उसके पहले मैंने अभी बलि का नाम छोड़ा जब बलि जब देवासु संग्राम हुआ ने देवासुर देव और बच्चे संग्राम हुआ था ने जब चौदह रत्न वासुकी नाग बना के जब चौदवा रत्न अमृत कुंभ निकला था ने तो देवासुर संग्राम के टाइम राजा बलि देवासुर संग्राम के बाद वो पाताल में चले गए तब से वो पाताल में रहता था, था पाताल मतलब अमेरिका अभी का अमेरिका पाताल वैदिक साहित्य के आधार पर जो हमने पहले समझा ना पौराणिक मान्यता के आधार पर है पाताल अमेरिका चले गए और उसकी राज्य व्यवस्था बाणासुर ने संभाली किसने संभाली बाणासुर ने तो यहाँ सतयुग में बाणासुर का भी नाम आता है और बाणासुर तो नाम हम द्रापर के अंत में सुनते हैं सुनते हैं ना की पुत्री, पुत्री, पुत्री कौन, कौन? उषा उषा का विवाह शादी विवा, किसके साथ हुई थी कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध उषा के साथ उसका लग्न शादी विवाह हुआ था तो यहाँ नाम फिर आगे कर दिया सतयुग या त्रेता में ले लिया यहाँ नामावली वंशावली नहीं है कि मान लो ये राजा आया आया फिर उसके बाद उसके वंश के राजा आएंगे उसके उसके बाद वंश के ऐसा नहीं है पीढ़ी पीढ़ी दर वारिस नहीं है कई बार राजा का क्रम समय ऐसे जो सत्यता है ना वो गौण कर दी गई है क्या कर दी गई है सत्यता गौण कर दी गई है यहाँ नामावली है वंशावली नहीं है फिर हम त्रेता में जाए सुंदरशाह जी तो त्रेता में कौन हुए त्रेता में आगर बताए सुंदर शाह जी नाम तो त्रेता में प्रथम राजा ब्रह्मा भय तापर मारिच राजा का नाम आया तो ब्रह्मा जी तो सृष्टि के प्रारंभ के राजा है कौन है ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ के ऋषि है राजा नहीं है ये ऋषि है मान लो को, कोई राजा आएंगे जैसे सतयुग में हमने लिया ने सतयुग में अर्जुन को भी बताया अर्जुन राजा नहीं थे युधिष्ठिर राजा हुए थे अवश्य युधिष्ठिर राजा हुए थे लेकिन अर्जुन राजा नहीं थे अर्जुन वीरता के क्षेत्र में अग्रगण्य थे अर्जुन वीरता के क्षेत्र में थे ऐसे ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ के ऋषि है जब ये सृष्टि पैदा हुई कहा हुई सबसे पहले सृष्टि यहाँ सुंदर साथ जी हिमालय अभी का जो हिमालय है नॉर्थ में उत्तर में हिमालय में जम्मू कश्मीर और जो तिब्बत का भाग पड़ता है वहां मानसरोवर झील करके जो आया है जब हम चीन जाते हैं न हिमालय को पार करके तो तिब्बत जम्मू और कश्मीर का जो इलाका वहां झील वहां वही इलाके में पर्वत जो पूरा एरिया है उस इलाके में सबसे पहले सृष्टि रचना का प्रारंभ वहां से शुरू हुआ तो मानसरोवर इसलिए उसका नाम पड़ा कि आदि नारायण के, के संकल्प से उसके मन से जो सबसे पहला मानसिक सृष्टि हुई उत्पन्न जिसके कोई माता पिता नहीं थे आदि नारायण ने संकल्प किए कि एक को हम बहुश्याम क्या किया एक को हम बहुश्याम एक मा से एक में से अनेक बन जाऊं एक में से अनेक बन जाऊ तो सबसे प्रथम वायु अग्नि अंगिरा आदित्य ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ऋषि और ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार सनतन ऐसे मानसी पुत्र सबसे पहले पैदा हुए उसको बोला ब्रह्मा जी ने कि हे शन को आप सृष्टि रचना का क्रम आगे बढ़ाओ लेकिन उसने बढ़ाया नहीं उसने बोला कि हमको सृष्टि में पढ़ना ही नहीं है सृष्टि पैदा करने में हमारी रुचि नहीं है बस हमको तो वैराग्य लेके बस परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूबना है क्या करना है परब्रह्म परमात्मा के ध्यान में डूबना है तो पांच साल से सन का निकल गए घर से और परब्रह्म परमात्मा की साधना के उसकी खोज में निकल गए उसने सृष्टि रचना का क्रम आगे नहीं बढ़ाया फिर मरीषि को बोला तो मरीचि का नाम आया तो मरीची भी सृष्टि के प्रथम ऋषि है कौन है वो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र है लेकिन यहां त्रेता में बताया ये क्रम आगे पीछे मैंने बोला ने कोई समय अनुसार या क्रम वाइज क्रम अनुसार नहीं है फिर नाम आया त्रेता में त्रिशंकु राजा उसके पुत्र हरिश्चंद्र जो सत्यवादी पता है उस वो, वो, वो सत्य के नाम पर बिक गए सत्य के नाम पर चंडाल की नौकरी भी कर ली और उसकी, उसकी पत्नी उसके पुत्र रोहिताक्ष सब नौकरी करने लगे ना वो भी बिक गए उसके हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताक्ष उसके पुत्र सुंदर साजी अगर जाए तो और आगे बताया सगर सगर के पुत्र अंशुमान फिर अंशु पौत्र सगर के पौत्र पुत्र के पुत्र पौत्र अंशुमान और अंशुमान के आगे सुंदर शाह जी फिर बताया कि दिलीप फिर भगीरथ फिर आगर भगीरथ के आगर रघु रघु के आगर अज अज, अज के दशरथ और दशरथ के पुत्र राम और राम के पुत्र लव हम लव कुछ को सुनते हैं ना उसके दोनों पुत्र उसके बाद वो गादी पर आया कौन आए लव गादी पर आए तो वो भी आगे पीछे पीछ, पीछ में क्रम हो जाते थोड़ा क्रम सीरियल वाइज क्रम अनुसार आया और भी आगे पीछे हो जाते हैं ये त्रेता के नाम कहे उसके बाद सुंदर शाह जी द्रापर में द्रापर में पहले कौन भय तो के इंद्र भय तो इंद्र तो पहले से भी है सतयुग के प्रारंभ से तो इंद्र कहते हैं किसको इंद्र कहते हैं किसको इंद्र कोई नाम नहीं है इंद्र कोई नाम नहीं है इंद्र एक उपाधि है इंद्र एक खिताब है इंद्र एक पदवी है जैसे स्वर्ग में हम देवी देवता को समझते हैं ना तो देवी और देवता जो है वो देव सृष्टि है देव सृष्टि सभी देव सृष्टि के राजा इंद्र है कौन है इंद्र है तो इंद्र देवराज इसका नाम क्या था देवराज तो इंद्र के बाद चंद्रमा का नाम बताया तो चंद्रमा जो जड़ चंद्रमा रात को उगते हैं ना आकाश में वो जड़ चंद्रमा की बात नहीं है चंद्रमा एक राजा हो गए पूर्व काल में चंद्रमा एक राजा हो गए और चंद्रमा के पुत्र बुद्ध, बुद्ध कौन, कौन? बुद्ध।, बुद्ध और बुद्ध, बुद्ध के पुत्र पुरुर्वा और पुरुर्वा के पत्नी उर्वशी जिसका हमने नाम सुना है ओ स्वामी जी ने जो लिखा है ना वो तमस के पार उसमें उर्वशी की बात आती है उर्वशी किसकी पत्नी पुरुर्वा की पत्नी, पत्नी उर्वशी और आगे बताया शाह जी द्रापर के अंदर शांतु राजा का नाम किसका बताया सांतु राजा का तो सांतु राजा का हमने नाम सुना है किस माध्यम से महाभारत के माध्यम से सांतु किसके भाई है देवापी के भाई देवापी कौन थे देवापी कौन थे हमने भागवत के प्रमाण सुन के रखे हैं ना देवापी संतनो भाता मरु इक्ष्वाकु वंशज कलाप ग्रामे आसाते महायोग तो सुनते हैं अभी अभी सूर्य वंश और चंद्र वंश चला सूर्य वंश में कौन हुए और चंद्र वंश में कौन हुए सूर्य वंश में इक्ष्वाकु वंश में मरु राजा महराज नाम के तन में मरु राजा कलाप ग्राम में हजारों साल से योग भूमि है ना जो, जो सिद्ध भूमि कलाब ग्राम, ग्राम वहां हाँ, हाँ, हजारों साल से साधना कर रहे थे ऐसे देवापी देवापी, देवापी देवापी के भाई सांतनु है, सगे भाई लेकिन देवापी को एक असाध्य रोग हो गया था क्या हुआ था असाध्य रोग तो वो गद्दी पर नहीं बैठे उसके भाई सांतनु गद्दी पर बैठे कौन बैठे शांतनु गद्दी पर बैठे तो देवापी देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी स्वरूप सुंदरबाई आई ने तो उसके अंदर कौन सा जीव बैठा था देवापी के जीव मिहराज के अंदर मरु के जीव बैठे थे तो देवापी के भाई सातु राजा का नाम आया इंद्र और चंद्रमा के पूर्वा के बाद तो शांतु राजा की पत्नी का नाम है सत्यवती सांतु और सत्यवती के गर्भ से चित्र और विचित्र की उत्पत्ति हुई किसकी उत्पत्ति हुई चित्र और विचित्र की उत्पत्ति हुई और वही समय के तो समकालीन हो गए हुए कौन हुए वही के समकालीन व्यास मुनि हुए व्यास मुनि भी सत्यवती के गर्भ से ही उत्पत्ति हुई वो पैदा हुए लेकिन उसके पिता पराशर मुनि थे कौन थे उसके पिता पराशर मुनि थे माँ एक ही रही चित्र और विचित्र की माँ एक ही रही सत्यवती लेकिन पिता व्यास मुनि का वो नहीं रहा पराशर मुनि रहे और उसका पिता शांतनु रहे तो सबसे पहले चित्र गादी पर आए उसके बाद विचित्र आए दोनों गादी पर तो आए लेकिन कम टाइम में तो दोनों की कम टाइम कम आयु में देहांत हो गई उसका धाम गमन हो गया तो दोनों की पत्नी अंबा और अंबिका अंबा और अंबिका उस, उसके तन से व्यास मुनि ने नियोग विधि से पांडु और दूत्राष्ट्र की उत्पत्ति की किसने व्यास मुनि ने नियोग विधि से किसके तन से अंबा और अंबालिका से अंबिका के तन से पांडु और धूतराष्ट्र की और पांडु से पांच पांडु हुए हम जानते हैं ना युधिष्ठिर अर्जुन सहदेव नकुल और भीम पांडु से पांच पांडुओं और धूतराष्ट्र से दुर्योधन ऐसे कौरवों की पति हुई तो ऐसे सुंदर साथ जी फिर हम आगे बढ़े तो उसमें जब पांचों पांडवों ने जब राज्य कर लिया कितने साल 36 साल तक 36 साल तक राज्य कर लिया उसके बाद वो गद्दी परीक्षित को सौंपकर हिमालय की यात्रा की और आगे बढ़े कहां बढ़े अपना जो तन है वो ठंड जो वहां होती ना बर्फ जमीले अपना तन गलने के लिए गालने के लिए वहां गल गया ना उसका तन पता है युधिष्ठिर सत्यवादी थे एक बार उसने बोला था तो अभी उसका रथ एक अंगुली ऊपर चलता था ना जमीन से लेकिन नीचे चलने लगा था नरोवा ही बार बोला था कि द्रोणाचार्य अस्वस्था माँ हाथी मरे इतना ही बोला था तो भी युधिष्ठिर पांचों पांडव हिमालय की ओर चल पड़े और उसके बाद छत्तीस छत्तीस साल हस्तिनापुर के राज्य करके हिमालय की ओर चल पड़े और उसके पुत्र परीक्षित को गादी राज्य अभिषेक करके वो चल पड़े और उसके पुत्र परीक्षित उसको, उसको पुत्र जन्मे जय उसको गादी मिली वो गद्दी पर आए वहां से सुंदर शाह जी अब ध्यान दीजिए कलयुग का प्रारंभ हुआ किसका प्रारंभ हुआ कहां से प्रारंभ हुआ महाभारत के युद्ध के बाद जो मैंने जितनी जितनी लीलाएं ली तो के अंत में जब परीक्षित गादी पर आए साल का राज्य भोगने के बाद पांचों पांडवों हिमालय की ओर चल पड़े उसके बाद कलयुग का प्रारंभ शुरू हो गया उसके बाद कलयुग में कौन राजा हुए तो कलयुग के प्रथम राजा सुंदर शाह जी सबसे पहले यदु का नाम आया किसका आया यदु का यदु के बाद अजयपाल और महिपाल उसके बाद विक्रमादित्य और विक्रमा चक्र और गांधर्व सेन का नाम आया ये पांचों का नाम सिर्फ नामावली में आया उसके बाद पूरा मोगल शासन का शासन कहाँ तक चलता रहा कोई बताएंगे औरंगजेब तक 800 साल तक कहा तक 800 साल तक कहा से शुरू हुआ यह भी धाम धनी ने बताया कि कहा गौरी बादशाह से तो गौरी बादशाह उसके बाद अलाउद्दीन खलजी आप चित्तौड़ को जानते ना महाराणा प्रताप को वो रानी रत्नसेन पद्मावती की नाम आप जानते होंगे बात जानते होंगे कि कितनी रानियों ने जौहर कर लिया था वहां हा, हा। कितनी रानियों ने? ने क्योंकि अलाउद्दीन खलजी ने जब चढ़ाई की चित्तौड़ पर तभी अग्नि में ने, ने, क्योंकि रानी तो किसी के साथ हाथ से मरना नहीं अलाउद्दीन खलजी का पता लग गया तो हो चित्तौड़ अलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन खलजी उसके बाद मोहम्मद गौरी मोहम्मद लोडी उसके बाद और तैमूर लंग सुंदर शाह मेरठ में आपने मेरठ का नाम सुना होगा मेरठ में तैमूर लंग ने एक लाख एक लाख हिंदुओं की हत्या तैमूर लंग ने की थी और इब्राहिम लोधी के भाई मोहम्मद लोधी है मोहम्मद लोधी के भाई इब्राहिम लोधी पढ़ते हैं दोनों भाई है सगे तो इब्राहिम लोधी बाबर के विरुद्ध लड़ा था यह भी आपको इतिहास का पता होगा फिर बाबर से ये शासन शुरू हुआ 800 साल तक तो ये मैं पीछे बताऊंगी पहले मैं ये बताऊंगी कि जो बीच बीच में मैंने महमूद लोडी महमूद गौरी अलाउद्दीन खिलजी जो सबका मैंने नाम लिया वो उसने शासन नहीं किया उसने राज्य व्यवस्था नहीं संभाली उसने आक्रमण किया हमला किया शासन नहीं किया वो क्रूर थे वो लोग सुर थे उसके बाद बाबर हमको पढ़ा हम पढ़ते थे ना तभी हमारी पढ़ाई में भी आता था जब एजुकेशन में हम जब पढ़ते थे तब तो, कौन तो बाबर हुमायूं अकबर जहांगीर उसका नाम सलीम शाहजा सा, और उसके छोटे पुत्र शाहजा के छोटे पुत्र औरंगजेब बादशाह बोलो श्री तो लाल दास जी महाराज ने कलियुग के अंतिम राजा जब औरंगजेब बादशाह पर जब जब करता होगा किस टाइम पे जी विक्रम सौ पैतीस में जब हरिद्वार के कुंभ मेले में गए ने फिर उसको पता लगा पहले तो दिल्ली गए फिर उसके बाद हरिद्वार आए फिर दिल्ली गए बार बार संदेशा औरंगजेब बादशाह को तो औरंगजेब बादशाह शासन करता होगा वही प्रमाण किस टाइम का तभी के टाइम का वही प्रमाण पहले से कहा से धाम धनी ने शुरू किया लालदास समाज के धाम दिल में महामती के आत्म कहा से शुरू किया आत्म ने सतयुग से लेकर वही क्या सतयुग अभी मैंने बताया साथ में वैवस्त मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चौकड़ी के राजाओं का वर्णन भविष्य पुराण में बताया था ऐसे तो अठारह पुराण है ऐसे तो अठारह पुराण जिसका नाम भी अंदर है सुंदर जी जैसे उपासक देव विष्णु भगवान ने उस विष्णु पुराण की रचना पराशर मुनि ने की स्कंद पुराण की रचना शिव जी ने की उसके बाद, बाद पद्म पुराण की रचना ब्रह्मा जी ने की उसके बाद, बाद श्रीमद् बाद भागवत पुराण की रचना मुनि ने की उसके बाद ब्रह्मा जी ने की ये जो छह पुराण है उसके बाद जो गरुड़ पुराण है वो श्री हरि ने लिखा जो छह पुराण है वो सात्विक है उसके बाद ऋषि पुराण कृमि पुराण वामन पुराण वरा पुराण ऐसे जो और पुराण है वो कर्म कांड आडम्बरों से भरपूर है वारहा पुराण और उसके बाद पुराण की रचना और पुराण की रचना मार्किंड मुनि ने की उसके बाद अग्नि मुनि ने अग्नि पुराण की रचना की उसके बाद लिंग पुराण की रचना आगे की और इसके बाद लिंग पुराण की रचना तांडी ऋषि ने की और उसके बाद अंतिम में भविष्य पुराण की रचना संसार के कल्याण के लिए शिव भगवान शिव ने की ऐसे अठारह पुराण की बात है तो चतुर्युगी चोकड़ी के श्री महामती की आत्म बताते बताते अंतिम में कलयुग के राजा जब औरंगजेब राजा राज्य करते हो उस टाइम पे इतना राजाओं का नाम लेने की महामती को क्यों जरूरत पड़ी सुंदर साहद जी क्यों जरूरत पड़ी क्योंकि पहले से आगमवाणी कहने वाले जो ग्रंथ थे भविष्यवाणी कहने वाले जो ग्रंथ थे इतने ही ग्रंथ नहीं थे और भी ग्रंथ है माहेश्वतंत्र पुराण संहिता भविष्योत्तर पुराण में अभी और पुराण भी बताए भविष्योत्तर पुराण ऐसे हरिवंश पुराण गि, बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र भविष्य दीपिका ऐसे कई भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथ में पहले से साक्षिया थी कि जब अंतिम में औरंगजेब बादशाह मुगल शासन में राज्य करता रहा होगा तब उस टाइम पे से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत जो दिव्य का परम धाम की है वहां से आवेश शक्ति पार ब्रह्म परमात्मा की और निष्कलंक बुद्ध स्वरूप में किस टाइम में विक्रम सन सत्रह का समय होगा उस टाइम में वो जाहिर होगी किस रूप में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में वो जाहिर होगी वही प्रमाण भविष्योर पुराण उपलब्ध नहीं है हिंदू समाज में अप्राप्य है लेकिन उसमें एक प्रमाण है कि महित मलाना राज्य वंश प्रवर्तते महित मलचाना राज्य वंश प्रवर्तते परस्परे च विरोधे परस्परे विरोधे क्या भवे भवे क्या कहा कि जब बादशाह मोगल शासन का जब समय चलता होगा उस टाइम पे अक्षर से परे अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत की शक्ति कहाँ आएगी तो इंद्रवीति इंद्रावती इंदिरा नाम की सखी वही एक सुंदरी तंत्र में भी प्रमाण है के पद्मावती के न विंध्या चल पर्वत पुष्टते इंदिरा नाम सा देवी भविष्य कलयुगे पद्मावती के नदी के किनारे पर ऐसे इंदिरा नाम की देवी अपना धाम बनाएगी और उस दिल में उस तन में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप की शक्ति तब तो जाहिर होगी किसकी अक्षरातीत पार ब्रह्म की शक्ति जाहिर होगी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप के रूप में होई प्रमाण सुंदरसा जी महेश्वर तंत्र में भी बताया कि सुंदिरा इंदिरा नाम सा देवी नामा प्रिय चंद्र सूर्ययो माना अंधकार विनाशाय प्रतिपति भविष्यति कलयुगे ये किसका प्रमाण है माहेश्वर तंत्र पुराण संहिता में भी बताया और मैंने जो अभी तो आधा छोड़ा कि बताया कि वो चित्रकूट के रमणीय प्रदेश में इंद्रावती नाम की जो आत्मा आएगी उसके धाम दिल में निष्कलंक बुद्ध स्वरूप लीला करेंगे और इतना ही नहीं जो सर्व मत धर्म पंथ ये संसार में चल रहे हैं वो धर्म की सबकी वो रक्षा करेंगे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप कौन करेंगे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप वो प्रमाण भविष्य तौर पुराण में बताया था और इतना ही नहीं और पूरे संसार को मुक्ति देंगे कौन देंगे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप सुंदर शाह जी ऐसे प्रमाण भविष्य दीपिका में वशिष्ठ मुनि श्री राम को कहते हैं कि दस शस्त्राणी दस सहस्र वर्षाणी पंच सूर्य पर्वाणी कलक्ष भविष्य तारे स्वगृही क्या बताया दस सहस वर्षाणी पंच सूर्य परमाणी कल क्षय सप्त तारे स्वगृही और आगे भी एक बताया कि शालिवान साका तु गोड़ाकम सातम जीव उदाहरण ब्रह्मांडे कल की पादुर भविष्य ये दो प्रमाण ये दो प्रमाण भविष्य दीपिका में वशिष्ठ मुनि ने राम को बताया हे वत्स हे राम जब पांच सूर्य ग्रहण पड़ेंगे और पांच चंद्र ग्रहण पड़ेंगे तो दोनों मिलकर दस जब पड़ेंगे एक सूर्य ग्रहण में कितनी आयु कलयुग की काटेंगे 125 साल की कलयुग का आयुष्य मैंने अभी बताया कितना बताया चार लाख बत्तीस हजार उसमें से एक चंद्र ग्रहण पड़ने से 125 वर्ष की आयुष्य कम हो जाएगी ऐसे 10 पड़ेगे 10 सहस्त्र हजार सालों की आयुष्य कम हो जाएगी उस टाइम पे कौन आएगा उस टाइम पे प्रशिष्ट मुनि ने बताया था कि निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर होगे और भी आगे बताया क्या बताया के सालिवान साका तु गौतम सोडा सातम सालिवान साका 1600 पूर्ण होगे और विद्याविनंद साका की दोजा जब हम हरिद्वार के कुंभ के मेले में देखेंगे उस टाइम पे संसार के पूरे जीवों के उधार के लिए कल्याण के लिए निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हो गए तभी वत्स राम ने संशय कोई बोल रहे के के प्रारंभ में हो गए कोई बोल रहे कि कलयुग के, के अंतिम में हो गए तब उसने जाके समझाया वशिष्ठ जी ने उसके गुरु ने कि दोनों बात सही है क्योंकि कलयुग में सूर्य और चंद्र ग्रहण मिलाकर चौतीस सौ बार पढ़ेंगे तो एक सौ पचीस गुना चौतीस बार गुना एक सौ पच्चीस करेंगे तो कलयुग की आयुष्य चार लाख बत्तीस हजार में से चार लाख छब्बीस हजार पांच सौ कट जाएगी तो कितनी बचेगी पांच हजार 500 बचेगी उसमें बताया कि 4550 साल बचेंगे तभी वो आएंगे तो सुंदर साथ जी हम ब्रज में आए उसके बाद हम रास में आए जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर होए वही प्रमाण धाम धणी ने वाणी में बताया कि 4660 बीते या समय जग को भयो आचार तो वाणी के प्रमाण मिल गए मिल गए ने तभी निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जाहिर हुए तो यही भी प्रमाण सुंदर शादी मिले तो ऐसे और भी प्रमाण वाणी में भी बताया के वेदो कहिया आउशी, का मेट कल सुराई मुक्ति देसी सबो जगदीश ऐसे और भी एक वाणी में प्रमाण बताए के आउ सिरे सब कोई कैसी धनी अपना आउ सिरे आउसी सब कोई कैसी धनी अपना आगमी करत सतवानी सबो की सतठरी तुम सब आए करो दीदार बताया ने और भी कहा सुनो रे सत के सतवादियों सतगुरु मेरा कौन बताया धनी मेरा और प्रभु विश्व का जो प्रगटिया है परवान ऐसे कई प्रमाण दिए आगमवाणी भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथ में तो सुंदर का, का एक ही आशय था कि अंतिम में युग में जब औरंगजेब बादशाह राज्य करता होगा उस टाइम पे निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का प्रगटन होगा और अंतिम एक चौपाई लेके कितना समय हुआ आप बताइए हो गया टाइम चलो एक ही मिनट में हम पूरा करें औरंगजेब भये कलयुग के नाम आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की ठाम उसके बाद कोई अवतार नहीं होगा क्योंकि अवतारों के अवतारों और अवतारों का क्या काम प्रण्णा जी ने वाणी में बताया कि अवतार अवतारो ने तो क्या किया बक्का की नहीं दई शुद्ध अवतारो तो आए लेकिन कि किसी ने दिशा भी नहीं बताई तो यहाँ श्री प्राणनाथ जी आप सब सुंदर साथ को बता रहे कि सुंदर साद जी आगे अवतार का क्या काम स्वयं पार ब्रह्म अक्षरा जो अवतार को भेजने वाले स्वयं आ गए तो किसका अवतार यहाँ आए और कोई धर्म ग्रंथ भी आने वाला नहीं है अभी क्योंकि अंतिम धर्म ग्रंथ पांचवा धर्म ग्रंथ तारतम वाणी कुलजम वाणी स्वरूप साहेब और शास्त्रों की वेदों की भाषा में पांचवा वेदम वेद आत्म वेद आ गया उसके बाद कोई आने वाला नहीं है और बताया कि श्री महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे यो कर आगे अपनी बीत तुम लीजो चित धर यहाँ महामती कहे हे प्राणाधार सुंदर साथ जी अब तक तो मैंने भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथों की साक्षी दी ये ग्रंथों की साक्षी मैंने इसलिए दी के निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जिसकी दुनिया युगों युगों से राह देख रही थी कोई साकार को परमात्मा मानती थी कोई निराकार को परमात्मा मानती थी कोई साकार निराकार से परे महापुरुष को परमात्मा मानती थी कोई तीनों को छोड़कर कोई शुद्ध चेतन और निर्विकार अखंड चेतन में आनंद जो है बार उस स्वरूप को परमात्मा मानती थी तो ये चारों में कौन परमात्मा है किस परंपरा सही है वही बात लालदास यहां बताने जा रहे सुंदर साथ जी के दुनिया साकार निराकार में उलझी हुई थी उसको पता ही नहीं था के परमात्मा साकार भी नहीं है निराकार भी नहीं है परमात्मा साकार निराकार दोनों से परे उसका शुद्ध चेतन प्रेममय आनंदमय निर्विकार स्वरूप है हो परमात्मा का धाम कहाँ है हो परमात्मा कहाँ है कैसा है और उसकी लीला कैसी है उसका स्वरूप कैसा है वो उसकी लीला के बारे में हम कल सुनेंगे तो यहाँ बताया कि हे सुंदर साथ जी भविष्यवाणी कहने वाले ग्रंथों में सब साक्षी लिखी थी, लेकिन मेरे को इतना कहने से समाप्त नहीं करना है और आगे ये ब्रह्मांड की बात मर्यादित नहीं रखूंगा और उसके आगे अक्षर से आगे नारायण से आगे अक्षर और अक्षर से आगे स्वलीला अद्वैत भूमिका में हमारी जो अनादिकाल से वो प्रियाओं की अक्षरातीत के साथ जो लीला चल रही है चल रही है वर्तमान में भी वो पूरी हुई नहीं वो चलती रहेगी अनादि काल तक हो लीला की बात मूल महाकारण और कारणों के दोनों कारण इश्क रबद ये ब्रह्मांड की रचना और पहले ब्रह्मांड ब्रज में हम कल उतरेंगे इतना कहकर या वाणी को विराम देंगे बोलो श्री प्राणनाथ तो सुंदर जी छुपाई दोहराई हम सब साथ में पारे, पारे। श्री महामती कहे, कहे साथ जी शास्त्र कहे, शास्त्र कहे आगे अपनी बीतक सोलीजे चित धारा सो जे चिता बोलिए श्री प्राणनाथ नाथ स्वामी श्री लालदास जी समस्त सुंदर प्रणाम जी सुंदर शादी जी